बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रुज हेल्थ ब्यूटी एंड होम टिप्स। तो आज मैं सहरी बना रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँगी मैं सहरी में कितने बजे उठती हूँ, क्या करती हूँ। तो मैं यहाँ 4 बजे उठी थी, फिर मैंने उठ के चाय बनाई, गैस बहुत थोड़ी आ रही थी, ये मैंने आपको दिखाई भी है। और ये मेरा बेटा समझ गया, मैं इससे बातें कर ली हूँ। गैस तो बहुत हल्की आ रही थी तो उस पे पराठे बनने नहीं थे, फिर मैंने जल्दी से हीटर का तार लगाया, हीटर गरम किया, उसके बाद तवा रखा और इस पे ही मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। अगर मैं गैस का इंतज़ार करती ना तो हम लोग बिना सहरी का रोज़ा रखते, इसलिए मैंने हीटर पे ही कर दिया। और एक तरफ मेरी चाय बन रही थी जो बहुत ही हल्की आँच पर थी, अभी तक उबाल नहीं आया इसका। और जी आप लोग क्या कहते हैं, उबाल कहते हैं, जोश कहते हैं। और दूसरी तरफ मैं पराठा बना रही थी, मैं 2 पराठे बना रही थी। मैं उठी थी तकरीबन 4 बजे, तो मैंने कहा उठ के जल्दी जल्दी सहरी बना लो, नहीं तो रोज़े का टाइम अब है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रोज़े कम हो रहे हैं और टाइमिंग भी साथ साथ कम होती जा रही है। पहले टाइमिंग ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहे हैं तो अब टाइमिंग भी कम होती जा रही है। अब सहरी बंद होती है 5:57 पे, आज नहीं 4:57 पे आज बंद हो गया था रोज़ा। सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई गोल पराठे बनाता है तो कोई चकोर। आप कैसा खाते हैं, कैसा बनाते हैं, और अफ्तारी में आप क्या खाते हैं, सहरी में क्या खाते हैं, अफ्तारी का छोड़ें, खैर सहरी का बताएं, सहरी में आप क्या खाते हैं। और आपको मेरे बैकग्राउंड में पाली पाली सी आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरी बच्ची की है जो समझ रही है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। रमज़ान जो है इतनी तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं, कहाँ हम पहले रोज़े की तैयारी कर रहे थे और कहाँ आज 18वां रोज़ा कम्प्लीट हो गया है, कहाँ रहमत का महीना शुरू हुआ था और कहाँ मगफिरत का भी ख़त्म होने को है। अच्छा जी, एक पराठा मैंने बना लिया है, ये मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ। मैं 2 पराठे बनाती हूँ, एक मेरा होता है, एक हस्बैंड का होता है, मेरा फिर भी एक में से बच जाता है। और सबके अलग अलग फैमिली होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो हमारी अभी छोटी फैमिली के बच्चे छोटे हैं तो इसलिए कम मतलब बनती है सहरी। जैसे जैसे माशाल्लाह फैमिली बढ़ती जाएगी, बड़े होते जाएंगे बच्चे, तो उसी हिसाब से फिर सहरी भी बढ़ती जाएगी। किसी का ज़्यादा होता है, मतलब किसी की बड़ी फैमिली होगी, किसी की छोटी होगी, जिनकी छोटी फैमिली होती है उन्हें थोड़ा कम काम होता है और जिनकी ज़्यादा होती है तो उन्हें ज़्यादा काम होता है। लेकिन ये है कि अपनी मदर जो अभी अनमेरिड हैं वो अपनी मदर की लाजमी हेल्प करवाया करें, क्योंकि अकेले काम करना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और बाइक वाले अंकल आप भी ना। तो जी मेरे पराठे तैयार हो गए हैं और मैं बना रही थी एक अंडा, एक अंडा काफ़ी होता है मेरे लिए, और एक अंडा बना रही थी, इसको मैं फेंट लेती हूँ अच्छी तरह ना, मतलब इससे होता है कि तवे पे ये फैल जाता है, वरना ये एक ही जगह ऐसा लगता है सिकुड़ गया। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कितनी नाइंसाफ़ी है, मैं ज़रा सा एडिट करने बैठ जाऊँ, देखें आप पी पों टी टाँ सब शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मैंने अंडा तल लिया था, मैं अंडे में नमक नहीं डालती, मुझे नहीं पसंद अंडे में नमक। ये कप मेरे हस्बैंड का है, ये वाला मेरा है। तो जी मैं दूध डाल रही थी, और दूध डालते डालते वीडियो रिकॉर्डिंग करना और ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे हाथ से गिर गया दूध। मैं डब्बे वाला इस्तेमाल करती हूँ दूध, ऑल पर्स, आप बताइएगा कौन सा इस्तेमाल करते हो। दूध डालते डालते थोड़ा सा मैस हो गया था, नीचे गिर गया था, तो मैंने कहा चलो पहले साफ़ कर लेते हैं, और जब तक मैं साफ़ कर रही हूँ तो आप मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से सब्सक्राइब हैं वो बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन की वीडियो टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। और थोड़ा बहुत मैंने मैस साफ़ कर दिया, बाकी बचा था मैंने कहा चलो सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, बाद में मैं कर लूँगी, वरना सहरी रह जाएगी मेरी। तो ये था मेरा आज की 18वीं सहरी का ब्लॉग, अगर आई होप सो आपको पसंद आएगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।